नरेंद्र मोदी कह रहे 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो 14 साल में सब देश बसा दिए हैं क्या? नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार बिहार बसा दिए हैं, पहले के लोग मुख्यमंत्री नहीं किया, जिसका राज नहीं किया तो कौन किया? 20 साल में कर दिए थे का पूरा बिहार बसा दिए थे, और 70 साल लोग बसा दिया 14 साल। नफरत है हम लोग का, हम लोग विरोध करते हैं कि क्या परंपरा नहीं शुरू करी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और इस दिन भी बवाल होने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता पर जो खतरा था उसको लेकर सुनील सिंह और राबड़ी देवी दोनों ने ही मिलकर नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है। जैसा कि आप जानते हैं, सुनील सिंह ने नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी, जिसके बाद से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। बिस्कुमान की अध्यक्षता खो चुके हैं सुनील सिंह और उनके सदस्यता को लेकर काफ़ी बवाल मचा है। और आज बिहार विधानसभा के अंदर जाने से पहले, सदन में जाने से पहले, राबड़ी देवी, सुनील सिंह और राजद के तमाम नेता हाथ पर काली पट्टी बांधे नजर आए हैं। नीतीश कुमार को जमकर सुनाते हुए राबड़ी देवी, सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनका ये बयान सुने। इतिहास को बदला जा रहा है, इसलिए परंपरा शुरू हो रहा है। बीजेपी जदयू वाला परंपरा शुरू कर रहा है नया, तो आने वाला पीढ़ी देखेगा, रिकॉर्ड देखेगा, फाइल देखेगा, क्या हुआ नहीं हुआ कब। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी कहते रहे 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो 14 साल में सब देश बसा दिए हैं क्या? नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार बिहार बसा दिए हैं, पहले के लोग मुख्यमंत्री नहीं किया, जिसका राज नहीं किया तो कौन किया? 20 साल में कर दिए थे का पूरा बिहार बसा दिए थे, और 70 साल लोग बसा दिया 14 साल। नफरत है हम लोग का, हम लोग विरोध करते हैं कि क्या परंपरा नहीं शुरू करी। मैम, आज सुनील सिंह जी के फैसला क्या है? मैच फिक्स है, जैसे जो भी क्वेश्चन आउट होता है पूरे भारत में, उसका तार कहाँ से जुड़ा रहता है? नालंदा से। तो इसका भी मैच फिक्स है, इसका भी तार कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो नालंदा से। तो भाई ये बात समझिए, मैच फिक्स है, 20 साल को इसका मैच फिक्स है। सुनील जी, कल आपने कहा था कि नीतीश कुमार षड्यंत्रकारी है, उन्होंने सम्राट चौधरी का मुरेठा ही नहीं बल्कि मुंडन भी करवाया। आज वो आप अपना बात इम्पोज मत कीजिए, आज पहले सदन के मेज पर रखा जाएगा, चर्चा होगा और आज जो निर्णय होगा उसके बाद हम आप लोगों के साथ ब्रीफ करेंगे। और मैंने ये बात कल नहीं बोला, मैंने ये कहा कि वो व्यक्ति इतना प्रतिशोधी है कि मुरेठा तो अपने चरण पर रखवाया, उनका मुंडन भी करा दिया, मैंने ये कहा। तरीके से निर्णय लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग काला बिल्ला बंद करके विरोध करते हैं आतताई सरकार के। जो अध्यक्ष बना है उनके बहुत बहुत बधाई देते हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष बना है दिलीप यादव, जसवाल जी से जानते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, वो अच्छा है। बाल छिलवाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ बाल छिलवाए, इसीलिए हटाया गया। आप सुन रहे थे कि एक और राबड़ी देवी थी जो नीतीश कुमार को जमकर सुना रही थी, कह रही थी कि इतिहास बदलने का काम किया है, आने वाला समय याद रखेगा कि इस तरीके से ताना शाही चल रही थी नीतीश कुमार की सरकार में। तो वहीं दूसरी ओर सुनील सिंह भी जमकर बोल रहे थे, उन्होंने भी नीतीश को नहीं छोड़ा, कहने लगे कि
ये कई किस तरीके के प्रतिशोधी व्यक्ति हैं ये साफ पता चलता है। जब सम्राट चौधरी ने अपना मुरैठा उतरवाया तो केवल उनका मुरैठा ही नहीं अपने चरणों में रखवाया नीतीश कुमार ने, बल्कि उनका सर भी मुंडन करवा डाला। ऐसे प्रतिशोधी व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, इसीलिए हमारी मिमिक्री करने पर हमें इस तरीके हमारी सदस्यता को इस तरीके से छीनने का काम किया जा रहा है। और जो परिणाम सामने आने वाला है वो पहले से फिक्स कर लिया गया है, ये एक फिक्स मैच है। पेपर लीक भी नालंदा से होता है, और अब ये जो सदस्यता का मुद्दा है, सदस्यता जाने की जो बात है, इसका भी जो मैच है नालंदा से ही फिक्स कर लिया गया है। सीधे तौर पर नीतीश कुमार पे ये बड़ा आरोप लगाते नजर आए। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं सुनील सिंह, और दोनों भाई बहन सदन के बाहर जमकर नीतीश कुमार को सुनाते नजर आए। तो वहीं जैसा कि आप जानते हैं, सम्राट चौधरी अब भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, इसको लेकर राबड़ी देवी तंज कसते हुए कहने लगी कि उन्होंने नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम किया, खिलाफ बोला, इसीलिए उन्होंने अपना ये पद खो डाला है। तमाम मुद्दों को लेकर दोनों भाई बहन मिलकर जमकर सुनाते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।